सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आदमी ही आदमी को छल कर रहा है, ये क्रम आज से नहीं बरसों से चल रहा है। रोज चौराहे पर होता है सीता हरण, पर सदियों से रावण चल रहा है। कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए अपनी तरफ से ज्यादा देने की कोशिश करें। इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा बेवकूफ बनता है जब वह किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। आपका आज का परिणाम आपके अतीत के किए हुए कर्म है। भविष्य बेहतर बनाना है तो आज के फैसलों को बदल लो। आज का पंचांग 7 मई 2021 दिन शुक्रवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 3:32 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नामक नक्षत्र दोपहर 12:26 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:34 से 11:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर सुबह 5:55 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 7 मई 2021 दिन शुक्रवार, आप अपने आप को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित अनुभव कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए। यह परेशानियां आज और ज्यादा बढ़ेगी और आपके लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपको सावधानी से काम लेना होगा क्योंकि आपके फैसले लेने की क्षमता भावनाओं और दूसरे कारणों से प्रभावित हो सकती है। किसी निकट संबंधी के साथ चल रहे विवाद दूर होंगे और आपसे संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेगी जो कि भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधि में भी अवश्य लगाएं। अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने पर आपका अधिक ध्यान रहेगा। रिलेशनशिप से संबंधित हो रही उलझन के कारण अपने मन की स्थिरता खोने नहीं देंगे। परिवार के कुछ लोगों के साथ वाद विवाद छिड़ सकते हैं। फिलहाल आपको अपनी भावनाएं और गुस्से पर काबू रखना होगा। काम से संबंधित व्यवस्था बनी रहेगी, इस कारण अपने वक्त का आप सही इस्तेमाल करके काम करते रहेंगे। किसी व्यक्ति के प्रति बढ़ता आकर्षण जल्द ही रिलेशनशिप में परिवर्तित हो सकता है। सेहत ठीक रहेगी, फिर भी अधिक तला हुआ खाने से परहेज रखना होगा। सावधानियां, कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु इन व्यर्थ की बातों पर ध्यान ना देकर अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें। खर्च करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा, प्रेम संबंध भी गहरा रहेगा। साथ ही नई बनने की कोशिश भी कर रही है, आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए और दूरियों को दूर करने की उनकी कोशिशों की कदर करनी चाहिए। ऐसा करते समय यह भी उन्हें महसूस करा ही देगी, जो गलतियां वे पीछे कर चुके हैं आप उन्हें जानते हैं और वे दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। बात करते हैं करियर की। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भ्रमित हैं और काफी समय से कुछ प्रश्न आपकी परेशानियां बढ़ा रही हैं। आज इसका हल आपको नजर आ सकता है। आप इस विचार पर अड़िग रहें और समाधान निकालने की कोशिश करें, चाहे वह कितना भी अटपटा या अजीब लगे। अगर आप कुछ जोखिम लेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ होगा जो आपने सोचा भी ना होगा। अपने निजी तथा व्यवसायिक कार्यों में बेहतरीन तालमेल बनाकर रखेंगे। बीमा शेयर आदि जैसे व्यवसाय में कुछ लाभदायक स्थितियां रहेगी। राजनीतिक संपर्क बढ़ेंगे। सरकारी सेवारत लोगों को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कार्यों को भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे।
ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव बढ़ जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी परिस्थितियों से बचना ही है, परंतु ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता। इसलिए खुद को राहत देने के लिए कुछ ऐसी तकनीकें अपनाएं जिससे आपको बिना बात का तनाव ना हो और आपकी सेहत खतरे में ना पड़े। आज का उपाय, आज आप काली चींटियों को शक्कर डालें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।